समुद्र में डूबी द्वारका नगरी का रहस्य क्या? क्या है द्वारका नगरी की खासियत? जानिए यहां से जुड़े ये राज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने गुजरात दौरे के दौरान द्वारका नगरी के भी दर्शन किए थे। समुद्र में डूबी द्वारका नगरी के दर्शन पीएम मोदी ने स्कूबा डाइविंग के जरिए किए थे। खास बात तो यह है कि पीएम मोदी अपने साथ समुद्र में भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करने के लिए मोर पंख लेकर भी गए थे, जिसका वीडियो भी सामने आया। इस वीडियो में पीएम मोदी समुद्र के अंदर द्वारका नगरी के दर्शन करने के साथ साथ पूजा पाठ करते हुए भी नजर आए थे। इसके अलावा पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट भी लिखी थी, जिसमें उन्होंने लिखा था, भगवान श्री कृष्ण की कर्म भूमि द्वारिका धाम को मैं नमन करता हूँ। देवभूमि द्वारिका में भगवान कृष्ण द्वारकाधीश रूप में है, साथ ही यहाँ सब कुछ उनकी इच्छा से होता है। मैंने गहरे समुद्र के भीतर जाकर प्राचीन द्वारका जी के दर्शन किए। इस नगरी का निर्माण महान शिल्पकार विश्वकर्मा ने किया था और मेरा मन बहुत प्रसन्न है, दशकों का सपना पूरा हुआ है। चलिए अब आपको बताते हैं कि वेंट द्वारिका का रहस्य क्या और मंदिर की खासियत क्या है। तो आपको बता दें, वेंट द्वारिका में भगवान कृष्ण का मंदिर है। बताया जाता है इस मंदिर का निर्माण वल्लभाचार्य ने कराया था और ये मंदिर करीब 5000 साल पुराना है। और तो और मंदिर में मौजूद भगवान द्वारकाधीश की प्रतिमा के बारे में कहा जाता है कि इसे रानी रुक्मणी ने खुद तैयार किया था। इसके अलावा बताया तो ये भी जाता है कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का यहाँ महल हुआ करता था। इसके साथ ही द्वारका नगरी के न्यायाधीश भगवान श्री कृष्ण थे, इसी वजह से भगवान कृष्ण को यहाँ भक्तजन द्वारकाधीश के नाम से पुकारते हैं। तो वहीं भगवान कृष्ण की मुलाकात अपने दोस्त सुदामा से यहीं पर हुई थी। साथ ही सुदामा जी जब अपने मित्र से भेंट करने यहाँ आए थे तो एक छोटी सी पोटली में चावल भी लाए थे। इन्हीं चावलों को खाकर भगवान कृष्ण ने अपने मित्र की दरिद्रता दूर कर दी थी, इसलिए यहाँ आज भी चावल दान करने की परंपरा है। तो वहीं मंदिर में कृष्ण के साथ ही सुदामा की प्रतिमाएं भी मौजूद हैं। तो वहीं द्वारका के लोग और मंदिर के पुजारी बताते हैं कि एक बार पूरी द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई थी, लेकिन बेट द्वारका बची रही थी, इसलिए ये हिस्सा एक छोटे से टापू पर मौजूद है। साथ ही यहाँ समुद्र का जल भी स्थिर रहता है। वहीं मंदिर का अपना अन्न क्षेत्र भी है। इस मंदिर में दर्शन करने के लिए काफी संख्या में लोग यहाँ हर साल पहुंचते भी हैं। ऐसे ऐतिहासिक और रोचक खबरों को देखने के लिए देखते रहिए वन इंडिया। Thank you.